छाया नमोलो सपूरम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जैन श्राप का चार। जैनी का एक जैन श्रावक का कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसका अंतरंग कैसा होना चाहिए, उसका बहिरंग कैसा होना चाहिए, इसके इसके लिए हम जैन श्राप का चार के माध्यम से श्रावक की 11 प्रतिमाओं अर्थात पंचम गुणस्थानवर्ती जीव की 11 प्रतिमाओं के बारे में समझ रहे हैं। उससे पहले आज से एक महापर्व शाश्वत पर्व, जैसे 10 लक्षण महापर्व आते हैं, ऐसे आज से ही अष्टानिका पर्व प्रारंभ हो चुके हैं। जिन अष्टानिका पर्वों में, वो 8 दिन के होते हैं, नाम से ही क्लियर है अष्टानिका, जिसमें हम देवलोक नंदीश्वर दीप जाके सिद्धों की पूजन करते हैं। हम वहां तक नहीं जा पाते तो हम अपने मंदिरों में ही सिद्धों के गुणगान करते हैं, सिद्ध चक्र विधान कराते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अर्थात सिद्धों की भक्ति करते हैं एक तरीके से, जैसे कि हम भी सिद्ध जैसा बन जाएं। जैसे एक एक चीज के बारे में जानते हैं, उसके बाद अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। हम करते हैं सिद्ध चक्र विधान। सबने किया होगा सिद्ध चक्र विधान। सिद्ध चक्र का मतलब क्या होता है? सिद्ध चक्र, सिद्ध विधान तो हमें समझ में आता है कि सिद्धों का विधान। सिद्ध चक्र विधान क्या, चक्र मतलब क्या होता है? एक नई नॉलेज की चक्र मतलब होता है समूह। चक्र मतलब समूह। तो सिद्धों के समूह की हम एक साथ पूजन कर रहे हैं, मतलब एक सिद्ध की नहीं, कितने सिद्ध, बहुत सारे सिद्ध, सिद्धों के समूह की हम पूजन करते हैं, इसलिए सिद्ध चक्र विधान हम करते हैं। तो इसके अंदर कौन प्रसिद्ध थे? रानी सुंदरी, मैना सुंदरी, हाँ जी, श्रीपाल राजा, जिनको कोढ़ हो गया था उस समय, राजा मैना ने क्या किया, रानी मैना ने सिद्ध चक्र विधान किया था, और बाद में ऐसे अनुष्ठान से, गंधोदक से बाद में उनका कोढ़ दूर हो गया था, निमित्त नैमित्तिक संबंध से कोढ़ दूर हो गया था, इतनी बात हम उस पर्व में जानते हैं। तो हम आज से लेके 8 दिन तक रोज सिद्धों की आराधना अवश्य करें। अब अपने विषय पे हम वापसी आते हैं। अपना विषय क्या चल रहा है? ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं। वास्तव में ये 11 प्रतिमाएं, ये 11 अलग अलग दर्जे हैं कहां तक पहुंचने के लिए, मुनि दशा अंगीकार करने के लिए। क्योंकि कोई भी जीव जिसने एक बार आत्मा का रस चख लिया है, अब वो कहां जाना चाहता है? अब वो मुनि दशा अंगीकार करना चाहता है। लेकिन जब तक मुनि दशा अंगीकार नहीं हो पाती है, तब तक पंचम गुणस्थान में उस मुनि दशा की प्रैक्टिस हो रही होती है कि हमें अब मुनि दशा में जाना है, अब हमारी भूमिका ऊंची होगी, तो उसकी जो प्रैक्टिस लेवल्स होती है वो सारी अभी पंचम गुणस्थान में पूरी हो जाती है। एक तरीके से पूरी अपनी भूमिका डेवलप हो जाती है, और जैसे ही कोई मुनिराज बनता है तो उसको कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि साथ सब कुछ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम त्याग करके आए। जैसे कि 11 प्रतिमाएं हैं, अब ये प्रतिमाओं का स्वरूप चालू कर रहे हैं, जैसे 11 प्रतिमाएं हैं, तो सबसे पहले कोई भी जीव कोई सी भी प्रतिमा अंगीकार करेगा, तो सबसे पहले पहली प्रतिमा अंगीकार करेगा, उसके बाद दूसरी प्रतिमा, फिर तीसरी प्रतिमा, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, अर्थात इन प्रतिमाओं का क्रम है ऐसा कि सबसे पहले दर्शन प्रतिमा आती है, फिर व्रत प्रतिमा आती है, उसके बाद अगली प्रतिमा, फिर अगली प्रतिमा। कई लोग प्रतिमाएं ऐसे ही अंगीकार कर लेते हैं, जैसे कि हमने तो सीधा 7वीं प्रतिमा ले ली, मतलब कि ये 11 दर्जे कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम कौन सी प्रतिमा पहले अंगीकार करें। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो पहले फर्स्ट क्लास से ही पढ़ना पड़ता है, फिर सेकंड में जा पाते हैं, सेकेंड लेवल क्रॉस करते हैं तो थर्ड में जा पाते हैं, ये नहीं कि सीधा हम 7th क्लास में चले जाएंगे, वो बात अलग है, हमारी भूमिका अच्छी हो। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो बच्चा 5th क्लास में था और 5th क्लास में उसको बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, तो सीधा प्रमोट कर दिया 7th क्लास में, ज्यादा इंटेलिजेंट था, ऐसा भी हो जाता है। ऐसे यहाँ पर है,
क्रम क्रम से तो हम जाते हैं, पहले पहली प्रतिमा, फिर दूसरी प्रतिमा, फिर तीसरी प्रतिमा, लेकिन कुछ जीवों का पुरुषार्थ भला है कि पुरुषार्थ इतना तीव्र है कि वो सीधा पहली प्रतिमा से सातवीं प्रतिमा तक जा सकते हैं। लेकिन सातवीं प्रतिमा जो अंगीकार की है ना, सातवीं प्रतिमा से पहले वो पांच पांच जो पहले प्रतिमा छूटी है वो छूटी नहीं है, वो उसके अंदर गर्भित हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हमने आज सातवीं ले ली, कल ग्यारहवीं ले लेंगे, बाद में पहली वाली उठा लेंगे, बाद में सातवीं ले लेंगे, फिर बाद में आठवीं ले लेंगे। अर्थात क्रम तो है, लेकिन तीर पुरुषार्थ करने से हम आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें पहले की चीजें नॉलेज होनी चाहिए। पहले की जैसे पांचवी से सेवेंथ में प्रमोट हुए तो सिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी उसको सेवेंथ में प्रमोट किया जाएगा, ऐसी प्रमोट नहीं कर दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पे कि पहले की भूमिका डेवलप होगी तो तीर पुरुषार्थ से वो जीव आगे जा पाएगा। अब हम यहाँ पे 11 प्रतिमाओं अर्थात 11 दर्जों में हम अब समझने जा रहे हैं अपनी पहली प्रतिमा, जिसका नाम है दर्शन प्रतिमा। क्या नाम है? दर्शन प्रतिमा। अगर इस शब्द को थोड़ा उल्टा कर दें, प्रतिमा दर्शन, कई लोग प्रतिमा के दर्शन करने को ही क्या समझते हैं, दर्शन प्रतिमा। एक बार एक अम्मा जी ने कौन सी प्रतिमा ले ली, दर्शन प्रतिमा उन्होंने अंगीकार कर ली। फिर उन्होंने क्या किया, वो रोज सुबह मंदिर जाया करती थी और सुबह रोज भगवान की प्रतिमा के दर्शन करती आ जाती थी, तो उन्होंने कहा मेरी तो दर्शन प्रतिमा हो गई। फिर अगली चली व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा में उन्होंने एक व्रत ले लिया, किसका, कि मैं रोज कुएं का पानी पीऊंगी। अब उन्होंने कहा कि मेरी व्रत प्रतिमा भी हो गई। लेकिन व्रत प्रतिमा ऐसी नहीं है, दर्शन प्रतिमा ऐसी नहीं है, इसका स्वरूप समझना पड़ेगा। भगवान के दर्शन करना दर्शन तो है, वो देव दर्शन है, लेकिन वो दर्शन प्रतिमा नहीं है। देव दर्शन और दर्शन प्रतिमा में बहुत अंतर है। लेकिन जो दर्शन प्रतिमा होती है उसमें निमित्त देव दर्शन अवश्य बनता है। देव दर्शन अर्थात दर्शन और दर्शन प्रतिमा अंतर है दोनों में। लेकिन दर्शन प्रतिमा देव के दर्शन के निमित्त से होती है, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब भी होती है तो देव शास्त्र गुरु उसमें निमित्त तो बनते ही है। देखिये, जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव को तो मंदिर जाने का भाव ही नहीं आता, उसको तो एक तरीके से मिथ्या दृष्टि को भाव भी बनता है मंदिर जाने का, तो अंतरंग से ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये मेरे लिए हितकारी है, एक तरीके से वो तो दूर ही भागता है। जो सप्त वैष्णव में लीन है उसके मंदिर जाने के परिणाम नहीं होते। लेकिन ये जो पंचम गुणस्थान वर्ती जीव है उसका कैसा है, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव की पूजा के भाव नहीं आते तो पंचम गुणस्थान वर्ती जीव के कैसी पूजा के भाव आते होंगे, 24 घंटे पूजा के भाव आते होंगे। भैया जिनके निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ है उसका बहुमान तो आता ही आता है, उसके तो मतलब कि कोई हमें चिंतामणि रत्न दे जाए तो उसके पैर धोके पीने लग जाएंगे। मतलब इतनी बड़ी चीज हमें देगा सम्यक दर्शन में, अर्थात सम्यक दर्शन में देव निमित्त बन जाएंगे, अर्थात उनकी तो श्रावक को बहुत बहुमान आता है। बहुत बहुमान, कितना बहुमान, 24 घंटे पूजन। 24 घंटे पूजन कैसे होगी भैया, बाह्य प्रवृत्ति में तो आधे घंटे पूजा होती है, लेकिन हम यहाँ पे 24 घंटे पूजा वो अंतरंग की पूजा कह रहे हैं। बाहर में तो पूजा आधे घंटे करके वापसी आ जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 1 घंटा पूजन करके घर पे आ जाएंगे, लेकिन ज्ञानी श्रावक के जो पंचम गुणस्थान में है उसके अंतरंग में तो निरंतर यही भावना रहती है कि वो हमेशा सिद्धों के अरहंतों के गुणगान करता रहे, पंच परमेश्वरी का स्मरण करता रहे, क्योंकि जिनके निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ है और अपनी होनार अच्छी थी, अपना पुरुषार्थ अच्छा था, तो सम्यक दर्शन हुआ है तो उनको बहुमान तो आता ही आता है। देखिए ये दर्शन प्रतिमा कैसी है, एक चौथे गुणस्थान का सम्यक दर्शन और एक पंचम गुणस्थान की दर्शन प्रतिमा, इन दोनों में बाहर से देखने में कुछ फर्क नजर नहीं आता। क्या कहा, चौथे गुणस्थान का सम्यक दर्शन और पंचम गुणस्थान की दर्शन प्रतिमा, इन दोनों में बाहर में कुछ फर्क नजर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बाहर में ऐसे कुछ व्रत अंगीकार नहीं किए हैं, अभी ऐसी भूमिका डेवलप नहीं हुई है पंचम गुणस्थान वर्ती के कि वो बाहर में कुछ व्रत अंगीकार करे, या बाहर से पता लग जाए कि ये पंचम गुणस्थान वर्ती है। जैसे कि कोई व्रत अंगीकार कर ले, कोई 5 अणुव्रतों को धारण कर ले, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये कौन है, ये श्रावक है, ये पंचम गुणस्थान वर्ती, अर्थात बाह्य लक्षणों से हम उसकी अंतरंग दशा का पहचान कर लेते हैं। लेकिन दर्शन प्रतिमा में हम किसी को बाहर से जज ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जैसे चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को जज नहीं कर सकते, अर्थात बाहर से देख के नहीं पहचान सकते, ऐसे ही दर्शन प्रतिमा वाले जीव को भी बाहर से देख के नहीं पहचान सकते। चौथे में भी सम्यक दर्शन है,
अब पांचवें में जो सम्यक दर्शन है वो एक तरीके से और दृढ़ हो चुका है, और सम्यक दर्शन के निमित्त से जो बाह्य आचार व्यवहार है वो थोड़ा और बढ़ गया है। बाह्य आचार व्यवहार क्यों, अभी तो कह रहे हैं कि बाहर कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जितना सामान्य है कि रोज देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, 8 मूल गुण का पालन करना, मतलब सप्त वैष्णव में नहीं लगना, इतना तो सामान्य भी दिखता है, सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव भी इतना कर लेते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव भी, चौथे गुणस्थानवर्ती भी, पंचम गुणस्थानवर्ती भी, दर्शन प्रतिमा वाले ऐसा कर लेते हैं, इसलिए बाहर में अंतर नजर नहीं आता, लेकिन अंतरंग में जाके देखे तो बहुत बड़ा अंतर है। कैसे, दो तीन अंतरों की बात करते हैं। सबसे बड़ा अंतर चौथे गुणस्थान के सम्यक दर्शन का और दर्शन प्रतिमा जो पंचम गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में तो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है, एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, दोनों को सम्यक दर्शन है, दोनों के बाहर में कोई विशेष चारित्र नहीं दिखता है कि बाहर से पता लगाया जाए, लेकिन पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के जो दर्शन प्रतिमा, जिसकी पहली प्रतिमा है, उसकी दो कषाय चौकड़ी का अभाव, अंतर हो गया, एक कषाय चौकड़ी और दो कषाय चौकड़ी, उसमें बहुत ज्यादा अंतर हो गया। अभी तक जो आत्मा की शुद्धि प्रकट हुई थी वो आंशिक हुई थी, अब थोड़ी और बढ़ चुकी है, अभी तो आत्मा की शुद्धि की उत्पत्ति हुई थी, अब उस उत्पत्ति की वृद्धि होनी चालू हो गई है, मतलब कि बाहर से अंतर नहीं है, लेकिन अंतरंग में दशा जाके देखें तो बहुत अंतर हो जाता है। और दूसरा अंतर क्या है, दर्शन प्रतिमा, जो दर्शन प्रतिमा होती है ये मात्र मनुष्य और त्रियंच को ही हो सकती है, क्या, क्योंकि पंचम गुणस्थान में तो मात्र त्रियंच और अपने मनुष्य गति के जीव ही आ पाते हैं, ना देव गति के आ पाते हैं और ना नरक गति के जीव दर्शन प्रतिमा अंगीकार कर सकते हैं। बाहर में कुछ अंतर नहीं है, अभी हम स्वरूप पढ़ेंगे तो लगेगा कि चौथे में कुछ अंतर नहीं लग रहा, पांचवें में कुछ अंतर नहीं लग रहा दर्शन प्रतिमा की, लेकिन अंतरंग दशा बिल्कुल अलग हो चुकी है। देव लोग तरसते हैं संयम अंगीकार करने के लिए, लेकिन अभी उनकी दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, उनकी एक कषाय चौकड़ी का अभाव है तो वो संयम अंगीकार नहीं कर पाते, वो सच्चे पालकी के हकदार नहीं बन पाते हैं। और वही नारकी जीव भी दर्शन प्रतिमा अंगीकार नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा चौथे गुणस्थान ही हो सकता है, सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन पंचम गुणस्थान तो मात्र दो गतियों में ही अवेलेबल है, अर्थात संयम जो अंगीकार किया जा सकता है वो दो में, एक त्रियंचों में और एक मनुष्य में। त्रियंचों में मतलब कि वो मछली सम्यक दृष्टि हो सकती है, वो कुत्ता, बिल्ली, वो गाय, भैंस, सुअर, क्या हो सकते हैं सम्यक दृष्टि, शेर, ये तो हम प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं, हमने शास्त्रों में देखा है, पढ़ा है कि एक शेर सम्यक दृष्टि जीव, पार्श्वनाथ भगवान से पहले उनकी हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन, तो एक हाथी सम्यक दृष्टि जीव, एक क्या कहते हैं अपना फ्रॉग अर्थात मेंढक सम्यक दृष्टि जीव, क्यों, ये पंचम गुणस्थान तक जा सकते हैं, लेकिन अर्थात संयम अंगीकार कर सकते हैं, लेकिन चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को इतनी भूमिका नहीं है कि वो पंचम गुणस्थान में ऐसी शुद्धि प्रकट कर सके। अब ये हम कह सकते हैं कि ये पर्यायगत योग्यता है, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि अंतरंग का पुरुषार्थ ही ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए हम व्यवहार में कह देते हैं कि पर्यायगत योग्यता ऐसी है, अंतरंग पुरुषार्थी ऐसा नहीं है कि दो कषाय चौकड़ी का अभाव करें, तो ये दोनों में सामान्य अंतर है। अब हम दर्शन प्रतिमा का स्वरूप देखते हैं कि दर्शन प्रतिमा में वास्तव में होता क्या है। बहुत बढ़िया छंद लिखा है यहाँ पे बनारसी दास जी ने नाटक समय सार से, चतुर्थ दश गुणस्थान अधिकार का छंद नंबर 59। क्या छंद है, 8 मूल गुण संग्रह कुवेसन किया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे दर्शन प्रतिमा सोई। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को बता रहे हैं, अर्थात एक चौथे गुणस्थानवर्ती जीव और एक पंचम गुणस्थानवर्ती जीव, पूजनीय कौन है, हमेशा संयम को पूजा जाता है, जो संयमी होते हैं उनको पूजा जाता है, एक वो सम्यक दर्शन और एक ये सम्यक दर्शन, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव की महिमा तो करनी चाहिए लेकिन वो पूजनीय नहीं है, क्यों, क्योंकि पूजनीय तो संयम से ही बनते हैं और संयम पंचम गुणस्थान में ही प्राप्त हो पाता है। बोलिए मोक्ष। मुझे पूछना है कि जैसे ये होता है नाटक समय सार, तो उसमें ये नाटक क्या है, क्योंकि नाटक तो जैसे मैंने सुना है प्ले होता है, तो क्या ये कोई प्ले है
और वैसे भी टीका क्या होती है और कलश क्या होता है? टीका क्या होती है, कलश क्या होता है? बहुत बढ़िया स्वरूप हम देख लेते हैं, 2 मिनट में देख लेते हैं, एक बार इस संत को देख लें, उसके बाद हम इसके बारे में भी देखेंगे। क्या है यहाँ पे, 8 मूल गुण संग्रह कुवेसन किया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे दर्शन प्रतिमा सोई। 4 चरण अर्थात 4 अलग अलग पद दे रखे हैं और उससे एक दोहा वाक्य बन गया, सोठा बन गया। तो क्या छंद दे रहे हैं यहाँ पे, 8 मूल गुण संग्रह अर्थात 8 मूल गुणों को जो संग्रह करके रखते हैं अर्थात उसका धारण करते हैं। आगे कुवेसन किया ना कोई अर्थात जुआ आमिष मदिरा दारी आखे टकचोरी पर नारी, यही 7 व्यसन दुखदाई दुरित मूल दुर्गति के भाई। अर्थात ये कुव्यसन 7 व्यसन हो गए, कौन कौन से, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान, विष्य सेवन, शिकार, चोरी, पर स्त्री रमणता, ये इन सबको नहीं करता है अर्थात कुव्यसन का सबका उसका त्याग हो चुका है। आगे दर्शन गुण निर्मल करे अर्थात जो उसका दर्शन गुण है वो अब निर्मल हो चुका है और इसी को दर्शन प्रतिमा कहा जाता है। ये हमने सामान्य रूप से देखा, इसकी हम परिभाषा एक जो मोक्ष का प्रश्न आया उसके बाद देखते हैं। समय सार एक ग्रंथ है जो कुंद कुंद आचार्य द्वारा विरचित है, उसपे अनेक लोगों ने टीका लिखी है, अनेक लोगों ने उसपे व्याख्या की है, अनेक लोगों ने उसपे कलश लिखे हैं, अनेक लोगों ने उसपे नाटक लिखे हैं। तो सारी एक चीज की विधा है, जैसे कि PhD होती है ना, PhD भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है कि हम PhD में क्या चीज देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं, मतलब क्रिटिक्स क्या कर रहे हैं वो चीजें। ऐसे ही जो टीका होती है, टीका क्या होती है, टीका होती है कमेंट्री अर्थात टीका टिप्पणी हम कहते हैं ना, कि ज्यादा टीका टिप्पणी मत करो अर्थात उसका विचार विश्लेषण मत करो, ज्यादा विस्तार मत करो। तो विस्तार का नाम होता है टीका अर्थात कमेंट्री होती है अपनी टीका। तो समय सार ग्रंथ की टीका, जैसे आत्मख्याति टीका या अपने कहें कि तत्व प्रदीपिका जो टीका है उसकी, तो ये सब क्या है, ये उस सब की टीका है। आचार्यों ने तो मात्र गाथा लिख दी, अब उस गाथा का क्या रहस्य है ये आचार्य ने टीका टिप्पणी के माध्यम से उसको खोला है। तो ये हो गई टीका। कलश क्या हो गए हैं, कलश होते हैं छंद रूप में, जैसे कि कोई मंदिर है, मंदिर की शोभा कब होती है, मंदिर की शोभा जब शिखर होता है, मंदिर की शोभा जब होती है जब उसमें शिखर होता है, शिखर के ऊपर जब कलश चढ़ जाता है तो उस मंदिर की शोभा और विशेष हो जाती है। ऐसे ही किसी ग्रंथ की शोभा टीका से तो बढ़ी जाती है, गाथाओं से तो बढ़ी जाती है, लेकिन उस टीका के ऊपर एक कलश और विराजमान कर दिया जाए तो उस टीका की और विशेषता निखरने लग जाती है, विशेष हो जाती है। अर्थात छंद होते हैं जिन छंदों के माध्यम से पढ़ने में रस आता है, जैसे कि कई बार हम बस पढ़ते जाए तो इतना आनंद नहीं आता, बीच बीच में थोड़े छंद आए, बार बार बोलने, जैसे अभी देख रहे हैं, अभी यहाँ पे दर्शन प्रतिमा का स्वरूप समझाएंगे, गद्दे में बीच बीच में पद्य दे दिए, जैसे 8 मूल गुण संग्रह। ऐसी कलश होते हैं जो चीजें यहाँ पे श्लोक आते हैं, जैसे हम मंगलाचरण करते हैं, ये सब भी क्या है, ये सब कलश ही है एक तरीके से। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ये क्या है, ये कलश है। और टीका हमने देख ली। नाटक क्या है, अब बनारसी दास जी ने समय सार नाटक लिखा अर्थात इसके अंदर अलग अलग पात्र दिखाए, पहला पात्र जीव है, दूसरा अजीव है, फिर एक आश्रव है, एक बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है। एक तरीके से आपने शेक्सपियर की एक पोयम पढ़ी होगी 7 स्टेजेस, 7 स्टेजेस के अंदर वो बताता है शेक्सपियर की एक स्टेज है और उसी एक स्टेज पे अलग अलग कलाकार आकर अपना अभिनय निभा के चले जाते हैं। तो ऐसे ही एक ही रंगमंच है जिस रंगमंच पे जीव अपना रोल करके जाता है, फिर अजीव अपना रोल करके जाता है, फिर जो दर्शक होते हैं वो जीव अजीव को भेद जान लेते हैं, जैसे होता है ना लोग छुपके आते हैं, वेश धारण करके आते हैं, तो ऐसे ही वहां पे जो लोग दर्शक हैं वो देख लेते हैं कि अरे ये जीव अलग है, ये अजीव अलग है, ये तो वेश धारण करके आए, उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। अर्थात एक तरीके से नाटक रूप में उन्होंने इस समय सार को पद्य रूप में लिखा है बनारसी दास जी ने। ठीक है मोक्ष। हाँ जी भैया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 8 मूल गुण संग्रहे कुव्यसन किया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे दर्शन प्रतिमा सोई। क्या लिखा है यहाँ पे, अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक कषाय मंदता से
अष्ट मूल गुण धारण एवं सप्त व्यसन त्याग रूप भावों का सहज अर्थात हट बिना होना ही, हट बिना उनका सहज होना ही दर्शन प्रतिमा है। अर्थात सबसे पहली शर्त क्या है, सम्यक दर्शन कभी अर्थात दर्शन प्रतिमा कभी भी होगी तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगी। जिसको सम्यक दर्शन नहीं है उसको दर्शन प्रतिमा भी नहीं हो सकती है। हमने बाहर में आठ मूल गुण ले लिए हो, हमने कोई कुव्यसन ना किया हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दर्शन प्रतिमा हमारी हो चुकी है। अंतरंग में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी तो हम कहेंगे हाँ आपको सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि पहली पंक्ति लिख दी अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक, अर्थात पहली शर्त है कि आपकी दृष्टि अंतर्मुख होनी चाहिए, अंतर्मुख से शुद्ध परिणति पूर्वक। अब देखिए मैंने उस दिन पिछली कक्षा में आपको शब्द समझाए थे शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति। अब यहाँ पे शुद्ध परिणति शब्द का प्रयोग किया है। अब इस समय जिस समय वो आठ मूल गुण का पालन करेंगे उस समय शुद्ध परिणति चल रही है, शुद्धोपयोग नहीं है, शुद्ध परिणति चल रही है। अब उस शुद्ध परिणति के साथ साथ जिस समय अष्ट मूल गुणों का पालन चल रहा है उस समय में भी कर्मों का नाश हो रहा है, और कर्मों का नाश अष्ट मूल गुणों को करने से नहीं हो रहा, वो शुद्धोपयोग हुआ था ना, शुद्धोपयोग की वजह से शुद्ध परिणति डेवलप हुई थी, वो चार्ज हो गई थी, वो शुद्ध परिणति की वजह से कर्मों का नाश हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक। फिर कषाय मंदता, कषाय मंदता क्यों? क्योंकि अभी दो कषाय चौकड़ी का भाव है, दो कषाय अभी विद्यमान है, तो कषाय मंदता, जब कषाय मंद होगी तो क्या होगा, अष्ट मूल गुणों का पालन सप्त व्यसन का त्याग रूप भाव सहज ही उत्पन्न होने लग जाते हैं। और ब्रैकेट में लिख दिया हट बिना, अर्थात अभी तक जिसने भी आठ मूल गुणों का धारण किया है, सप्त व्यसन का त्याग किया है, हो सकता है हट पूर्वक किया हो, किसी ने जबरदस्ती मंदिर में नियम दिला दिया हो कि आपको ये करना ही है, अब तो आपको दो साल का नियम दिला दिया, आपको बाहर की चीज कुछ भी नहीं खानी है। अब हम बंद गए, अंतरंग में भाव होते हैं लेकिन क्या करें, नियम दिला दिया, पालन करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे हमारा हट है, बार बार इच्छा होती है कि दो साल कब खत्म होंगे और बाजार की वस्तुएं खाएंगे, या जो भी हमने दर्शन का नियम लिया है तो कब ये दर्शन का नियम पूरा हो और हम आराम से सुबह घर में आराम से लेट लेट उठ के उठें, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब सम्यक दृष्टि जीव हो चुका है, अब हट बिना ये सारी चीजें होती हैं। और थोड़ा हम इसमें देख सकते हैं कि अभी तक सामान्य जीव भी, चौथे गुणस्थान की वृत्ति की बात नहीं कर रहे, सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव भी इन अष्ट मूल गुणों का पालन करते हैं, सप्त व्यसन का त्याग करते हैं, लेकिन हो सकता है उनके त्याग में अतिचार लगते हो, क्या लगते हो, अतिचार लगते हो, कोई दोष लग जाते हो। चौथे गुणस्थान में भी हो सकता है, अष्ट मूल गुणों का धारण तो होता ही होता है, क्योंकि कोई कोई भी चौथे गुणस्थान वर्ती जीव बुरे काम कभी नहीं करेगा, वो कभी सप्त व्यसन नहीं करेगा, सप्त व्यसन में कभी चोरी करने के भाव उसको आ सकते हैं सम्यक दृष्टि जीव को। यहाँ पे हम आप लोगों से पूछे, हम सामान्य लोगों से, क्या चोरी करना अच्छी बात है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। कोई राहगीर चलते हुए हम उससे पूछे क्या कुशील सेवन करना अच्छी बात है, वो भी कहेगा कि कुशील सेवन करना बहुत बुरा है। जब एक सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव उसको इतना बुरा जानता और वो नहीं करता, तो यहाँ पे तो हम सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि जीव सप्त व्यसन कैसे कर सकता है, वो जुआ कैसे खेल सकता है, वो मदिरा का पान कैसे कर सकता है, जब उसको पता है कि उसके अंदर इतने सारे जीवों की उत्पत्ति होती है वो उसका ग्रहण नहीं करेगा। अंतर क्या है, हो सकता है चौथे गुणस्थान में इन अष्ट मूल गुणों को धारण करने में कुछ कुछ ना कुछ दोष लगते हो सकता है मदिरा का त्याग कर दिया है लेकिन किसी दवाई के जरिए मदिरा चली गई है, या कह सकते हैं कृत कारित अनुमोदना, अभी कृत कारित का त्याग कर दिया लेकिन अनुमोदना खुद तो नहीं खाते हैं ना, दूसरे को देते हैं लेकिन कोई खाए तो मना भी नहीं करते हैं, अर्थात उसकी अनुमोदना कर देता है भैया खा लो तुम, अर्थात ये क्या है, मतलब अभी पूर्ण रूप से त्याग नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं दोष लग ही जाते हैं। लेकिन जैसे ही दर्शन प्रतिमा के अंदर एंटर करते हैं, दर्शन प्रतिमा के अंदर एंटर करते ही अष्ट मूल गुण अब कैसे हो जाते हैं, निर्दोष हो जाते हैं, अब उसमें कोई दोष लगता नहीं है, अब सप्त व्यसन का त्याग कर दिया है, अब किसी प्रकार के सप्त व्यसन करने का भाव हृदय में उत्पन्न नहीं होता, करने की बात तो बहुत दूर की है लेकिन अंतरंग में हृदय के भाव, हृदय से भाव उत्पन्न नहीं होते कि ऐसा करना चाहिए। फिर आगे मध्य मास मधु और पंच उदुम्बर फल खाने का राग उत्पन्न नहीं होता। देखिए यहाँ पे सारी बातें भावात्मक की जा रही है, भावात्मक कैसे,
राग उत्पन्न नहीं होता। खाने की बात तो बहुत दूर की है, खाएंगे तो तब जब राग उत्पन्न होगा। दर्शन प्रतिमाधारी जीव को उस संबंधी राग ही उत्पन्न नहीं होता है। ये तीन मकार हैं, मध्य मास मधु, क्योंकि तीनों का नाम म म म से चालू होता है, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया मकार। फिर पंच उदुम्बर फल, पांच उदुम्बर कौन कौन से वो हम आगे देखेंगे अभी, जिसके बारे में हम पहले भी सारी उसके विस्तार से हम देख के आ चुके हैं, बड़, पीपल, उमर, कटुमर, इन सब के बारे में जो जान के आ चुके हैं। पंच उदुम्बर फल, इनको भी खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बुरे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, क्यों? बुरे अच्छे की परिभाषा की वजह से हम नहीं खाते। क्यों? क्योंकि इसमें जीवों की उत्पत्ति होती है, त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान, वेश्यागमन, शिकार करना, चोरी करना, पर स्त्री रमणता, ये सात व्यसन है, इनका त्याग ही सप्त व्यसन त्याग होता है। कैसा होता है? निरतिचार। क्या लिखा? निरतिचार। एक एक शब्द पे ध्यान देंगे, निरतिचार। सम्यक दर्शन का होना ही दर्शन गुण की निर्मलता है। छंद आया था ना, छंद में कहा गया था, क्या कहा गया था छंद के अंदर, कि दर्शन गुण निर्मल करे। तो वो दर्शन गुण निर्मल कैसे हुआ है? वो दर्शन गुण निर्मल ऐसे ही हुआ है क्योंकि सम्यक दर्शन तो पहले भी था, लेकिन अब दर्शन गुण और निर्मल हो चुका है जब जो भी उसने अंगीकार किया है उसमें कोई दोष लगते नहीं। निरअतिचार, अतिचार अर्थात दोष, अब निरअतिचार, नी अर्थात हमेशा नहीं के रूप में होता है, नेगेटिव सेंस में, तो अब कुछ भी नहीं है। जैसे निर्मलता है, निर्मलता में नी नेगेटिव है, नेगेटिव क्या? मल से रहित तो होना। अब निर्मलता हो गई अर्थात बिल्कुल पवित्र हो गए, ऐसे ही यहाँ पे दर्शन गुण बिल्कुल प्रकट पवित्र हो चुका है। आपने एक बहुत बढ़िया भजन सुना होगा, उसके माध्यम से कुछ बात करते हैं कि ये प्राण है हमारा, ऐसा कुछ भजन है ना, ये प्राण है हमारा ना जन्म में दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। बहुत बढ़िया भजन, क्या काम कि ये प्राण है हमारा, क्या है प्राण, ना जन्म में दोबारा, क्योंकि अब सुनने वाली बात है, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। पंचम गुणस्थान वर्ती विषयों का निषेध नहीं करते भैया, हम तो नहीं करेंगे भैया, उनको विषयों में आनंद नहीं आता है तो निषेध तो ऑटोमेटिक हो जाता है उसका। उनके ये दर्शन गुण इतने निर्मल कैसे हो चुके हैं, उनको इतना राग उत्पन्न क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि अब सारे विषयों से आशा उनकी छूट चुके, किसी प्रकार का कोई राग नहीं है, विशेष प्रकार का राग, इसके बिना तो हमारा चलता ही नहीं है, जो है सब सहज है। अर्थात जो व्यक्ति अपना सहज जीवन व्यतीत करता है उसको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो बहुत लैविश अर्थात बिल्कुल लग्जरी लाइफ जीना चाहता है उसको बड़ी दिक्कतें होती हैं। क्यों? क्योंकि मन में इतनी सारी ख्वाहिशें हैं लेकिन एक ख्वाहिश पूरी होती नहीं दिखती तो दुख होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई ऐसा चाम नहीं है कि हम विदेश घूमने जाएं, हम यहाँ जाएं, हम वहां जाएं, एक बार इंडियन खाना खाएं, एक बार वेस्टर्न खाना खाएंगे, एक बार चाइनीज खाएंगे, मतलब ऐसा इटालियन खाएंगे, अब कुछ नहीं रह गया। अब क्यों? क्योंकि विषयों से राग छूट चुका है। बहुत बढ़िया भजन है, एक और बार गाते हैं, आप सबको भी याद हो जाना चाहिए। क्या है? एक तो मुखड़ा है, ये तो एक भजन का भजन। क्या? ये प्राण है हमारा, ये प्राण है हमारा ना जन्म में दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। क्या? झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। भजन तो ऐसा बोल रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है बोलने में, झूठा जग में रहने में हमको आनंद आता नहीं, लेकिन वास्तविक मजे तो हमें इसमें ही लगते हैं। किसको अपना परिवार बुरा लगता है, किसको अपना व्यापार बुरा लगता है? सबको अपना व्यापार अच्छा लगता है, सबको अपना परिवार अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता कि सामने वाले झूठ बोल रहे हैं। सब लोग को लगता है कि सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ सबके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, सब जग में अपने लिए स्वार्थी हैं, सब अपने लिए सब कुछ करते हैं, कोई किसी का कुछ करता नहीं है, इसीलिए इस झूठे जग में मुझे भाता नहीं है। अर्थात भाता अर्थात बुंदेलखंडी शब्द सा हो गया, भाता अर्थात मुझे इस संसार में रुचता नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव की रुचि कम हो गई है,
हमने छंद पढ़ा था ना सबसे पहले प्रतिमा का स्वरूप के अंदर, क्या पढ़ा था? भोग अरुचि परिणाम कि संयम अंश जगयो जहां भोग अरुचि परिणाम। अब भोगों से अरुचि हो गई है, भोग भोगने का मन करता हो और मन को रोक लेते हो ऐसा नहीं, अब तो भोगों से अरुचि हो गई है। सामने इतने सारे पकवान रखे हो तो उनको खाने का मन नहीं करता, क्यों नहीं करता? ये नहीं कि वो उदास से हो चुके हैं, अब संसार से रहित हो चुके हैं, आपसे बात नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अब उनको विषयों में आनंद आता नहीं। उनको बार बार, अभी तक रसगुल्ले खाने में आनंद आता था, अभी भी रसगुल्ला तो खाएंगे लेकिन कि इसमें ही आनंद है, इसमें ही मेरा जीवन है, ऐसा उनकी बुद्धि छूट चुकी है। इसीलिए बहुत बढ़िया भजन है, बार बार गाने का मन करता है कि इसी भजन को गाते रहे। ये प्रण है हमारा ना जन्म में दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि का जीवन। आगे क्या कह रहे हैं? सम्यक सम्यक पूर्वक भूमिका योग्य शुद्ध परिणति वास्तव में निश्चय दर्शन प्रतिमा है। अर्थात हम प्रतिमाओं को तो हम कितनी बार अंगीकार कर चुके हैं, आपको पता है? हम जब ग्रंथों में तो ऐसा लिखा कि हम मुनिराज भी कितनी बार बन चुके, कि एक बार मुनिराजों की अपने अपने मुनिराज के हम कितनी बार बन चुके। उदाहरण दिया कि सारी पिछियां और सारे कमंडलू इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत जैसा पहाड़ लग जाए। इतनी बार हमने मुनिव्रत अंगीकार किया लेकिन उसके बावजूद भी कल्याण क्यों नहीं किया? कल्याण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सम्यक पूर्वक, सम्यक के पूर्वक अर्थात सम्यक दर्शन पूर्वक इस चीज को अंगीकार नहीं किया था। अब यहाँ पे वास्तव में प्रतिमा क्या है? प्रतिमा को अंगीकार कितनी बार कर चुके हैं? आठ मूल गुणों का त्याग, आठ मूल गुणों को अंगीकार कर चुके हैं, सप्त व्यसनों का त्याग कर चुके हैं, ग्यारहवीं प्रतिमा भी धारण पता ही नहीं कितनी बार कर चुके होंगे, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना की है तो कुछ मतलब नहीं है। कितनी बार कर चुके? आपको याद भी है? किसी को याद नहीं है, ना आपको याद है ना दूसरों को याद है, लेकिन एक बार आप सम्यक पूर्वक करेंगे तो आप सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे और आपको पूरा तीन लोग पूज रहा होगा, अर्थात हर जगह आपकी प्रतिष्ठा होगी। कैसी प्रतिष्ठा होगी? तीन लोक के नाथ वाली, जगत वाली प्रतिष्ठा नहीं, जो वो तो झूठी प्रतिष्ठा है। जो तीन लोक के नाथ को प्रतिष्ठा मिलती है सब लोग उनको पूजते हैं, सब उनको पूजेंगे। सम्यक पूर्वक भूमिका योग्य शुद्ध परिणति वास्तव में निश्चय दर्शन प्रतिमा। जैसे हमने षट आवश्यक देखे थे, षट आवश्यक में निश्चय आवश्यक की एक ही परिभाषा थी, क्या थी? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को ही निश्चय से देव दर्शन, निश्चय से गुरु उपासना, निश्चय से स्वाध्याय, निश्चय से संयम, निश्चय से तप, निश्चय से दान। क्या है? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, योग्य अर्थात भूमिका अनुसार, ऐसे ही यहाँ पे भूमिका शब्द लगा दिया, अर्थात पंचम गुण स्थान के अनुसार जितनी शुद्ध परिणति हो सकती है उतनी शुद्ध परिणति को ही निश्चय दर्शन प्रतिमा कहते हैं। और क्या हो रहा है उसके साथ साथ? उस तथा उसके साथ सहज होने वाला, क्या होने वाला? उसके साथ सहज होने वाला अर्थात हट बिना होने वाला कषाय मंदता रूप भाव व बाह्य आचार व्यवहार दर्शन प्रतिमा है। बार बार तीन चीजें आप हमेशा याद रखना, बार बार हर परिभाषा में एक चीज आएगी, शुद्धोपयोग, शुभ भाव और शुभ प्रवृत्ति। बता दिया यहाँ पे, कैसे बताया? सम्यक दर्शन पूर्वक निश्चय प्रतिमा शुद्धोपयोग हो गया, उसके साथ सहज होने वाले कषाय मंदता वो शुभ भाव हो गए, और बाह्य आचार उसके द्वारा शुभ प्रवृत्ति हो गई। और शुभ प्रवृत्ति वास्तव में शुभ प्रवृत्ति तभी है जब सम्यक पूर्वक होगी। शुभ प्रवृत्ति तो कितनी बार कर ली, लेकिन उस शुभ प्रवृत्ति सार्थक तब होगी जब सम्यक पूर्वक होगी। तब मुनिराजों के 28 मूल गुणों का पालन कब सार्थक है? जब वो तीन कषाय चौकड़ी पूर्वक 28 मूल गुणों का पालन करते हो। लेकिन ऐसे तो हम भी 28 मूल गुणों का पालन कर चुके हैं भैया, हमने भी अपनी इंद्रियों पे इतना कंट्रोल कर चुके हैं कि कोई यहाँ पे एक चीरा लगा दे और चीरा लगा के इसके अंदर नमक मिर्च भर दे तो हमारी आंख के कोरे लाल नहीं होते। इतनी प्रैक्टिस तो हम भी कर चुके, सब लोग कर चुके, इतनी प्रैक्टिस, इतनी तपस्या कर चुके, लेकिन वो सारी तपस्या कैसी थी? शरीर को कंट्रोल करने में लगा दी। लेकिन हमें इधर शरीर को कंट्रोल नहीं करना, सच्चे दिगंबर वीतरागी मुनिराज शरीर पे उनकी दृष्टि नहीं होती, दृष्टि अंतरंग में होती है। लेकिन बाहर की चीज को भी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, शरीर है अपना नहीं है लेकिन पड़ोसी तो है ही, पड़ोसी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। तो पड़ोसी के ख्याल रखने के लिए आहार आदि चीजें करते हैं, जैसे कि अगर पड़ोसी बीमार हो जाएगा तो हम अपनी आत्म साधना नहीं कर पाएंगे,
आत्म साधना करने के लिए आहार जरूर लेते हैं, लेकिन उस आहार करने में भी ये दृष्टि नहीं होती कि इस आहार को करके मेरा थोड़ा ताकत हो जाएगी, मेरी बॉडी बन जाएगी, थोड़ा ऐसे ऐसे संघ में अपनी बॉडी दिखाऊंगा, ऐसा कोई भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब अपने लिए काम कर रहे हैं, अंतरंग परिणति के काम कर रहे हैं। आहार आपको करेंगे, ओहो ये तो आहार ले रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, नहीं, वो अपने शरीर की स्थिति बनाने के लिए, क्योंकि अभी अंतरंग में जाना है। इसीलिए जो भी बाह्य आचार होता है पंचम गुण स्थान में भी, जो भी बाह्य आचार होता है वो भी वास्तव में अंतरंग परिणति को शुद्ध करने के लिए ही होता है। कैसा? निमित्त कारण है ना, हम निमित्त उपादान समझ के आ चुके। वो बाह्य आचार व्यवहार भी अंतरंग परिणति को शुद्ध बनाने के लिए ही है। क्यों? क्योंकि अगर बाह्य आचार में बाह्य आचार नहीं होगा शुभ भावों के माध्यम से, तो पाप में लगेंगे। टोडरमल जी ने कहा कि टोडरमल जी ने क्या कहा उनकी भाषा में कि तेर से शुद्धोपयोग तो होता नहीं। क्या कहा? तेर से शुद्धोपयोग तो होता नहीं, शुभ भाव तू करना नहीं चाहता, अर्थात इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, तू भ्रष्ट होकर ही रह जाएगा। ना तू शुद्धोपयोग करता, ना तू शुभ भाव करता, तो बचा क्या? अशुभ भावों में जाएगा, पाप में जाएगा। इससे अच्छा तो पाप कार्यों से बचना, पाप कार्यों में जाने से अच्छा तो ये है कि हम बाह्य में आचार करके शुभ भावों के माध्यम से बाह्य में आचार कर अपना अंतरंग जाने। और वो भी कब करते हैं ज्ञानी जीव? कब करते हैं? जब निश्चय प्रतिमा, जब शुद्धोपयोग कर रहे होते हैं, उस समय बाहर की क्रियाएं नहीं कर रहे होते, उस समय तो बस आत्मा के लिए समय है। लेकिन जब अपनी आत्मा में उपयोग नहीं लगता है, बाकी समय में अपने उपयोग को वापसी अपनी आत्मा में लाने के लिए और बाहर के विषय कषायों से बचने के लिए शुभ भावों के माध्यम से बाह्य प्रवृत्ति होती है, करनी नहीं पड़ती। शब्दों में अंतर हो गया, होती है करनी नहीं पड़ती, दोनों में अंतर। करनी में तो बोझ है और होनी में आराम से है, बहुत सहज चीज है। एक बहुत बढ़िया वाक्य था, क्या है कि कछु वीतरागता हुआ है। वाक्य क्या है? पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के साथ कछु वीतरागता हुआ है और कहीं राग रहिया है। मतलब दूसरी भाषा में है लेकिन शब्द हमें समझ में आ रहा होगा। कछु वीतराग हुआ है और कहीं राग रहिया है। दोनों में अंतर है, दोनों में एक जगह शब्द का प्रयोग किया रहिया और एक जगह शब्द का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि वीतरागता की जाती है, उत्पन्न की जाती है पुरुषार्थ से, अर्थात कछु वीतरागता हुआ है, किसने की? मैंने उत्पन्न की। और दूसरी तरफ कहीं राग रहिया है, क्या करें अभी थोड़ा राग बचा हुआ है, लेकिन वीतरागता तो मैंने उत्पन्न की, वीतरागता मेरे अंतरंग पुरुषार्थ के माध्यम से हुई है। अब क्या करें? वो राग हुआ नहीं है, राग बचा हुआ है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि बाह्य आचार करना नहीं पड़ता, बाह्य आचार व्यवहार होता है अगर सम्यक दर्शन पूर्वक होगा तो। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ी बात बदलती, क्योंकि तो अनेक अनेक आचार्य हुए हैं, अनेक अनेक आचार्यों ने अपने अलग अलग मंतव्य प्रस्तुत किए हैं दर्शन प्रतिमा के संबंध में। हम संबंध आचार्य देव के पास चले जाए तो उन्होंने 11 प्रतिमाओं को 11 पद, प्रतिमा शब्द का प्रयोग ना करके 11 पद शब्द का प्रयोग किया, तो वहां पे पद शब्द से बताया उन्होंने। अब यहीं पे संबंध व्रत आचार्य ने दर्शन प्रतिमा में ही 5 अणुव्रत भी उन्होंने ग्रहण कर लिए। किसमें? दर्शन प्रतिमा के अंदर। कैसे ग्रहण कर लिए? सरलता से 2 मिनट के अंदर हम देख लेते हैं, फिर अपनी बात को पूरी करते हैं। हमने जब श्रावक के अष्ट मूल गुण देखे थे तो हमने बहुत प्रकार से देखे थे कि कहीं ना कहीं किसी ने 5 उदुम्बर फल और 3 मकार का त्याग बताया, तो वहीं पे संबंध व्रत आचार्य देव ने 5 अणुव्रत का पालन और 3 मकार का त्याग बताया। कई आचार्यों ने तो ऐसा किया कि 3 मकार तो एक जगह, 3 मकार एक, और 5 उदुम्बर फल को एक में गिन लिया, क्योंकि कैटेगरी है बताने की। आचार्यों को जितना छुड़वाना हो वो उतना संक्षेप में कर देंगे, संख्या 8 ही रखेंगे, वो 8 संख्या में रख के ही चीजें बढ़ा देंगे। हमें 5 चीजें बतानी है तो 5 बता दी। अब कैटेगरी तो एक ही है उदुम्बर फल, तो उसको एक कर दिया, तो यहाँ पे 4 हो गए। अब 4 और बच गए तो उन्होंने 4 और नए बता दिए। मतलब कि तरीका है ऐसे। यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य संबंध व्रत देव के अनुसार दर्शन प्रतिमा में 5 अणुव्रत आ गए, क्योंकि हमने श्लोक पढ़ा था अभी। क्या श्लोक था? 8 मूल गुण संग रहे, कि 8 मूल गुण धारण किए। तो अभी तक 8 मूल गुण में 3 मकार और 5 उदुम्बर फल का त्याग था, और यहाँ पे जब संबंध व्रत देव के पास जाते हैं तो उन्होंने ही 8 मूल गुणों में 5 अणुव्रतों को धारण किया है। अब थोड़ा अंतर जान लेते हैं। पहली प्रतिमा में भी 5 अणुव्रत और दूसरी प्रतिमा में भी 5 अणुव्रत, कुछ समझ में आ रहा?
कुछ मतलब कि व्रत प्रतिमा देखेंगे तो वहां पे 12 व्रत अंगीकार किए जाते हैं, और 12 व्रतों में 5 अणुव्रत भी होते हैं, और समन्वय व्रत आचार्य देव ने तो यहाँ पे भी 5 अणुव्रत बता दिए। दोनों में अंतर क्या है? जो दर्शन प्रतिमा में 5 अणुव्रत हैं, हो सकता है कि उसमें होता है कि उसमें थोड़े दोष लग जाते हैं, अतिचार लग जाते हैं, लेकिन अब जब व्रत प्रतिमा आ गई है, अब व्रत प्रतिमा में कोई भी दोष लगने वाला नहीं है। इतना में थोड़ा क्लियर हो पा रहा है? और हम कहीं पे भी समाज में हम चले जाएं, हमें कहीं पे भी कोई ऐसा कहता हुआ नहीं मिलेगा कि हमने दर्शन प्रतिमा अंगीकार कर लिए। कोई नहीं, हमेशा 10 दर्जों की बात तो की जाती है, लेकिन दर्शन प्रतिमा की बात मतलब कि मैंने पहली प्रतिमा अंगीकार कर ली, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें कोई विशेष चीजें बाहर की दिखती नहीं है, क्योंकि तो सामान्य जीव भी सब करते ही है। तो वहीं पे बता रहे हैं ऐसे, इसको बस पढ़ लेते हैं। ये आचार्य समन्वय व्रत के अनुसार दर्शन प्रतिमा में 5 अणुव्रत भी आ जाते हैं। उक्त प्रकरण को पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। कौन है पंडित जयचंद जी छाबड़ा? तो जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत महान काम किया, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की वचनिकाएं लिखी हैं। वचनिकाएं कब लिखी हैं? कोई शुरुआती एज में नहीं लिखी कि बहुत जवान थे उन्होंने लिख दी हो, जिस समय वो 50 वर्ष से भी अधिक आयु के थे उस समय में उन्होंने बड़े से बड़े ग्रंथों की गूढ़ से गूढ़ टीकाएं लिखी हैं, वचनिकाएं लिखी हैं, और उनकी जो भी ग्रंथ है वो वचनिकाओं के नाम से प्रसिद्ध है। तो पंडित वो जयचंद जी छाबड़ा है, ये वही पंडित जयचंद जी छाबड़ा है। इनके पास चिट्ठी आई थी कि आप में इतनी क्षमता है, आप मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ को पूरा कर दीजिए, वो अपूर्ण है। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं किसी ग्रंथ की टीका तो कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी ग्रंथ को अपनी मौलिकता से नहीं लिख सकता। वो मौलिकता तो पंडित टोडरमल जी के पास ही है, जिन्होंने एक मौलिक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना कर दी। मैं किसी ग्रंथ की टीका वचने का जरूर कर सकता हूं, ऐसी ये वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा है। क्या कह रहे हैं ये? कोई ग्रंथ में ऐसे कहा है जो 5 अणुव्रत पाले और मध्य मास मधु इनका त्याग करे, ऐसे 8 मूल गुण है, सो या में विरोध नहीं, कि इसमें कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल सही बात है, विवक्षा भेद है, अर्थात हमने बात की थी अलग अलग समय पे अलग अलग आचार्य हुए, तो जो उनको लगा कि इसकी बहुत ज्यादा प्रचलन है तो उन्होंने उसको 8 मूल गुणों में सम्मिलित कर दिया। तो विवक्षा भेद है, विरोध नहीं। 5 उदुम्बर फल और 3 मकार का त्याग कहने ते जिन वस्तुनी में साक्षात त्रस दिखे ते सर्व ही वस्तु भक्षण नहीं करे। कह रहे हैं कि 5 उदुम्बर फल और 3 मकार का त्याग तो कर ही देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? जिसमें साक्षात रूप से त्रस जीव चलते हुए नजर आ रहे हो उसको हम कैसे भक्षण कर सकते हैं। इसीलिए कह दिया वस्तुनी में, अर्थात उन सब वस्तुओं में साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष आंखों से त्रस दिखे, त्रस जीव दिखे ते सर्व ही वस्तु भक्षण नहीं करे। देवादि निमित्त तथा औषधि आदिक निमित्त इत्यादि कारण ते दिखता त्रस जीवनी का घात ना करे। क्या कह रहे हैं? देवादि के निमित्त से, औषधि के निमित्त से भी त्रस जीवों का घात नहीं करना चाहिए। देवादि के निमित्त से अर्थात हम मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में जाके हमने देव को कुछ ऐसी, सच्चे देव के सामने कुछ ऐसी वस्तुएं चढ़ा दी जिसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती हो, हमने लड्डू चढ़ा दिया, कुछ भी बूंदी का लड्डू चढ़ा दिया, अब वहां पे बहुत सारी चींटियां आएंगी, वहीं पे चींटियां, वो लड्डू जमीन में गिर जाएगा, वो लड्डू जमीन में गिरेगा तो लोग उस पैर रखेंगे, ये तो देखेंगे ना कि उसमें चींटियां हैं, चींटियां भी मर जाएंगी और पूरा मंदिर भी गंदा हो जाएगा। इसीलिए देवादिक के निमित्त से भी त्रस जीवों की हिंसा तो करनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे तो त्रस जीवों की बात की, लेकिन क्या स्थावर जीवों की हिंसा करनी चाहिए? नहीं, स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। अर्थात अग्नि का एक देवादिक के निमित्त से अग्नि को जलाना, दीप आदि करना, ये कार्य भी, क्योंकि वो भी एक जीव है, हम करने को ऐसा मना नहीं कर रहे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, विद रीजन बता रहे हैं। रीजन क्या है हमारा? क्योंकि इसमें भी एक इंद्रिय जीव है, वो भी हमारी तरह है। कभी समय मिलेगा तो एक इंद्रिय जीव के दुख जानेंगे कि एक इंद्रिय जीव को दुख किस प्रकार के होते, तो ये हमारी सारी बातें ना सब छूट जाएंगी। आगे क्या कहा? ऐसा आश्रय है सो यामे तो अहिंसा अणुव्रत आया, और सात व्यसन के त्याग में झूठ का और चोरी का और पर स्त्री का ग्रहण नाही। यामे अति लोभ को त्यागते परिग्रह का घटना आवे, घटावना आवे। अर्थात यहाँ पे इन्होंने 5 अणुव्रतों में सप्त व्यसनों को ग्रहण कर लिया। 5 अणुव्रत होते हैं,
अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, जितने भी अचौर्याणु व्रत, इन सब व्रतों में सात व्यसनों को कैसे अंगीकार कर। जैसे कि अहिंसाणु व्रत में सात व्यसन के त्याग में झूठ बोलना आ गया, क्योंकि उसके अंदर जुए में झूठ बोला जाता है, चोरी की जाती है, पर स्त्री का ग्रहण, तो वो तो इसके अंदर आ गया अहिंसा में, सब कुछ इसमें ग्रहण हो गया, सब कुछ अहिंसा आदि व्रतों में। या में अति लोभ का त्याग थे परिग्रह का घटावना, कि लोभ करना है तो हमने परिग्रह का त्याग कर दिया, अर्थात पांच में सप्त व्यसन का त्याग यहाँ पे बताया। ऐसे पंच अणुव्रत आवे हैं, इनके अतिचार टले नाही ताते अणुव्रति नाम ना पावे, कि जब तक इनके अतिचार नहीं टलते हैं तब तक तो अणुव्रति नाम पाते हैं, क्यों, क्योंकि अभी अणुव्रति तो है, लेकिन 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 आगे क्या लिखा, ऐसे दर्शन प्रतिमा का धारक भी अणुव्रति है। वैसे तो अतिचार सहित को अणुव्रति नहीं कहते हैं, मतलब अणुव्रतों का पालन कर रहा है और साथ में अतिचार भी लग रहे हैं तो वो अणुव्रति नहीं है, लेकिन दर्शन प्रतिमा का धारक को अणुव्रति भी कह दिया जाता है। ताते देश विरत सागार संयमाचरण चारित्र में याकू भी गिने, अर्थात इसको भी, याकू अर्थात इसको भी, किसको, इस दर्शन प्रतिमा को संयमाचरण चारित्र में गिना है, अर्थात देश चारित्र में इसको भी गिना गया है। इस प्रकार से यहाँ पे इतनी बात यहाँ पे बता रहे हैं। एक मिनट में कल के ऊपर क्या छोड़ूं, जल्दी से एक मिनट में देख लेते हैं, एक इंद्रिय जीव के दुख कैसे होते हैं, क्योंकि एक इंद्रिय जीव के हमें दुख पता नहीं लग पाते, हम अग्नि जलाते हैं हमें पता नहीं होता कि उसमें कितनी हिंसा है। सोचिए एक संगी पंचेंद्रिय जीव है, कल्पना तो सब कर सकते हैं, इमेजिनेशन तो सब कर सकते हैं, एक संगी पंचेंद्रिय को हमने, उसके संगी पंचेंद्रिय के हाथ बांध दीजिए, उसके पैर बांध दीजिए, उसकी आंखें बांध दीजिए और उसके मुंह में कुछ भर दीजिए। अब क्या कीजिए, उसको एक बोरी में डाल दीजिए, किसमें डालना है, बोरी में, बोरी में डाल दिए, अब बोरी को भी बांध दीजिए, अब बोरी को बांध के एक पेड़ पे लटकाइए, और पेड़ पे कैसा लटकाना है, सीधा लटकाना, उल्टा लटकाना, उल्टा लटकाइए, और अब क्या होगा, अब उसको मारिए। अब जब उसको मारेंगे तो कितना दर्द होगा, वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाएगा, वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि अब तो बंध चुका है, आपने उसको बांध दिया, वो चिल्ला नहीं पाएगा, लेकिन उसको अंतरंग में वेदना हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, अंतरंग में उसको दर्द हो रहा नहीं होगा, मतलब दर्द होगा या नहीं होगा, अंतरंग में वेदना होगी लेकिन बाहर बोल नहीं पाएगा। अंतरंग के परिणाम ऐसे हो जाते हैं, सोचो हमारे साथ ऐसा हो जाए, हमें बांध दिया जाए तो क्या होगा, हमें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दे जहां पे लाइट पंखा ना हो, हमारे पसीने छूट जाते हैं, डर लगने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं एक इंद्रिय जीव के इतने दुख होते हैं, ऐसे ही अग्नि में कितने दुख, वो एक इंद्रिय जीव है, बोल नहीं पाएगी कुछ भी, लेकिन दुख उसको भी होता है जब उसको व्यर्थ में जलाया जाता है। व्यर्थ में क्या, किसी भी काम में जलाया जाता है, जब हम पानी को, तभी तो अनर्थ दंड, पानी का व्यर्थ इस्तेमाल करना, ज्यादा से ज्यादा पानी बहा जा रहा है, बहाया जा रहा है, बहाया जा रहा है, आजकल वो हो चुके हैं ना नीचे से, क्या कहते हैं, बोरिंग सी, बोरिंग जो हो चुके हैं, उसमें से पानी बहुत जोर की आता है, लोग पानी को ऐसे बहा रहे हैं जैसे पता ही नहीं क्या हो। भैया उसमें जीव है, उनकी रक्षा करो, जीव हिंसा हो रही है, हमें, हम तो अहिंसा वाले हैं, जीवों की रक्षा हमें हर समय करनी चाहिए, इसीलिए एक बार इसके बारे में भी हमें विचारना चाहिए। चलिए अभी हमने दर्शन प्रतिमा को समझा, आपको दर्शन प्रतिमा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप अभी पूछिए, नहीं तो हम कल से व्रत प्रतिमा के बारे में जानेंगे। किस किस को स्वरूप क्लियर हुआ है, किसी को कोई प्रश्न ना हो तो एक बार ये भी बता दीजिए किस किस को समझ में आया, तो ये लगेगा हाँ प्रश्न नहीं है तो समझ में तो आया। चलिए बहुत बढ़िया, चार पांच लोगों का हाथ उठ गया, तो मैं समझता हूं कि चार पांच को समझ में आया तो सबको समझ में आया होगा ही। चलिए अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं, शाम की कक्षा यथा समय रहेगी, अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।